बांका जिला के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत भरको पंचायत के दिवंगत मुखिया परवीन झा के बाजा गांव स्थित आवास पर बेलहर विधायक मनोज यादव ने पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। विधायक ने दिवंगत मुखिया के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर विधायक ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि आज जनप्रतिनिधि समाज की सेवा एवं पंचायत का पूर्ण विकास करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिक दुर्बलता के कारण जनप्रतिनिधियों को भाजन का शिकार होना पड़ता है। दिवंगत प्रवीण झा आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई और पंचायत के मुखिया पद पर आसीन होकर पंचायत के अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए। मौके पर मृतक के परिजनों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी करने में अमरपुर पुलिस की लापरवाही की शिकायत करते हुए कहा कि आज हत्याकांड में शामिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, हत्यारोपी केस उठाने का दबाव बनाते हुए परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि मामले से जिला पदाधिकारी एवं बांका एसपी को अवगत करा दिया गया है, जिस पर जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स गठित कर अविलंब हत्यारोपियों की गिरफ्तारी एवं फिलवक्त पीड़ित परिवार के घर सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। मौके पर युवा जदयू के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार झा, प्रदीप कुमार शाह उर्फ पप्पू शाह, मुखिया संघ के अध्यक्ष रतनपुर मकदुम्मा पंचायत के मुखिया नकुल प्रसाद सिंह, भीकनपुर पंचायत के मुखिया मृत्युंजय शर्मा, मोहम्मद हसनैन, फतेहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया शिव प्रसाद मंडल, नीरज झा, सुनील झा समेत बाजा गांव व भरको पंचायत के ग्रामीण उपस्थित थे। हम दो बार इस क्षेत्र से त्रिस्तरीय पंचायत से चुनाव भी लड़े, सब लोग हमारे साथ रहते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और हम प्रशासन से बात करके आए हैं, जो भी इस तरह घटना किया है उसको जल्द से जल्द कम भी करवाएं। सर, जैसा पीड़ित परिवार बता रहे हैं कि इसको जान से मारने की धमकी इन लोगों को दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग की सुरक्षा पर एक सवाल। बिल्कुल, उस पर बात हुई है जी, सारी बात हुई है, जिला प्रशासन से बात हुई है जी। जो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो भी होगा उसको मुहैया करा जाएगा। और हम लोग तो एक संदेश भी देना चाहते हैं कि लोगों के बीच इस तरह का जो भी लोग सोचते हैं ये बहुत ही गलत काम है, इस तरह की मानसिकता की लोगों के बीच हम लोग के साथे जो भी व्यक्ति रहते हैं इस तरह की मानसिकता वाले लोग, उनसे जनता को किनारा रहना चाहिए। पंजवारा थाने की पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र के माराटीकर विक्रमपुर ग्रामीण पथ पर कुम्हलाडीह प्राथमिक विद्यालय के समीप जांच के दौरान एक बाइक सवार तस्कर को देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पंजवारा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साव ने बताया, थाना पुलिस द्वारा इस मार्ग पर जाँच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एक बाइक सवार युवक को शक के आधार पर रोका गया। जांच के क्रम में पुलिस ने युवक के पास मौजूद बैग से लैला ब्रांड का 300 ml मात्रा का देसी शराब बरामद किया। गिरफ्तार युवक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव के ब्रह्मदेव दास के पुत्र आलोक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त करते हुए युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को उसे जेल भेज दिया जाएगा।